आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए एंड ऑल के बटन को ज़रूर दबा देना कि ताकि हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे एंड लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों। हाय दोस्तों, डिजिटल MLM में आपका स्वागत है और आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको वजीरेक्स के ऊपर KYC कैसे करना है उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, यह वीडियो में आप शुरू से लेकर एंड तक बने रहिए एंड अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सबसे फर्स्ट काम तो आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए जाके चैनल को, क्योंकि आने वाले सारे वीडियो को आप आसानी से देख सको, उसको मिस ना करो। और दोस्तों, अभी आप चैनल को एक लाइक भी ज़रूर कर दीजिए एंड जो भी क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी मैसेज कर सकते हो। तो दोस्तों, वजीरेक्स के ऊपर हम आए हैं और वजीरेक्स के ऊपर KYC कैसे होगा इसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन देता हूं और इसके ऊपर ID बनाया कैसे जाएगा उसका भी नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए तो उसके लिए आप सब्सक्राइब करके रखिए। तो दोस्तों, ये आपका वजीरेक्स है जो आपको प्ले स्टोर पर अवेलेबल मिलेगा और इसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके इसको ईजिली डाउनलोड कर लेना। एंड यहाँ पे दोस्तों, आपका ये जो वजीरेक्स है आपने सबसे फर्स्ट तो डाउनलोड कर चुके हो और आपने मेल आईडी से रजिस्टर जब कर चुके हो तो रजिस्टर करने के बाद आपके सामने यहाँ पे इस तरीके का एक पेज ओपन होगा। अब हमें इसको KYC करना है, जैसे कि आधार कार्ड पैन कार्ड से। तो सबसे फर्स्ट हम यहाँ पे दोस्तों ये जो 3 डॉट है इसको हम टच करेंगे। तो जैसे ही हम यहाँ 3 डॉट को टच करते हैं हमारे सामने एक इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है वेरीफाई योर अकाउंट, तो सिंपली आप यहाँ पे क्लिक कर दोगे वेरीफाइड योर अकाउंट के ऊपर। तो जैसे ही हम यहाँ क्लिक किए तो कुछ टाइम लेगा, ये पेज लोड ले लिया। अब देखिए यहाँ पे पेज आपका टोटल यहाँ पे लोड लिया है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपको स्किप फ्रॉम नाउ एंड यहाँ पे कंप्लीट KYC, आपको अभी तुरंत कंप्लीट करना है KYC को कि आपको स्किप करना है इसको कि बाद में करना है। तो हमें तो अभी कंटिन्यू फुल करना है, तो हम सिंपली यहाँ पे इसके ऊपर हम टच कर देंगे। तो कंप्लीट KYC पे जैसे ही हम टच करते तो हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो गया जहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगा गया है। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर सबसे पहले तो हम यहाँ पे नाम डाल देंगे जिनका हम यहाँ पे KYC कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे नाम डाल दिया, ऑलमोस्ट इनका नाम आ चुका है यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर हम डाउन मिडल नेम में देखें तो मिडल नेम में फादर नेम होता है, तो आपका जो भी फादर नेम है वहाँ पे जो पैन कार्ड के ऊपर है आप वही चीज़ को डालना है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे पैन कार्ड का डाल दिया हूँ। और यहाँ पे दोस्तों डेट ऑफ बर्थ पूछा जा रहा है, तो आप यहां पे सिंपली डेट ऑफ बर्थ अपने डाल दीजिए। अब यहां पे नीचे आपको एड्रेस पूछा जा रहा है, तो एड्रेस में दोस्तों याद रखना जो आपका आधार कार्ड है उसके बैक साइड में जो आपको एड्रेस मिलेगा वही एड्रेस को यहां पे आप फिल कर देना। तो मैं यहां पे सबसे फर्स्ट तो यहां पे एड्रेस को मैं फिल कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप प्रॉपर एड्रेस को ही फिल करना क्योंकि ये आपका KYC होता है, अगर आपने यहाँ पे गलती किया तो आपका वहाँ से रिजेक्ट भी हो जाएगा। तो सिंपली जैसे देख पा रहे हो मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट मैंने एड्रेस को डाल दिया हूँ। अब यहाँ पे आपको स्टेट पूछा जा रहा है, आप स्टेट को टच करो और आपका जो स्टेट है यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लो। तो मेरा यहाँ पे जैसे देख पा रहे हो आप महाराष्ट्र है, मैं यहाँ पे महाराष्ट्र सिलेक्ट कर लेता हूँ। एंड आपका जो सिटी है आप सिटी को सिलेक्ट कर लो। तो ये जो मैं ID बना रहा हूँ ये मुंबई सिटी की है, तो मुंबई है ये। यहाँ पे आपको जिप कोड पूछा जा रहा है, जिप कोड का मीन्स ये होता है आपके सिटी का कोड जहाँ पर आप रहते हो। तो यहाँ पर जैसे कि 400093 है। अब यहाँ पे पैन कार्ड का आपसे नंबर पूछा जा रहा है, तो आप इजीली आपके अपने पैन कार्ड का नंबर यहाँ पे ऐड कर दो। प्रॉपर दोस्तों KYC आप एकदम आराम से करिए, समझ के करिए, गलती ना करना कहीं, क्योंकि गलती करने के बाद
अगर ये रिजेक्ट होगा तो आपको वापस फिलअप करना होगा, फिर आपका केवाईसी जो भी समय जाए उतना समय आपका जाएगा। तो यहाँ पे मैंने पैन कार्ड का नंबर डाल दिया हूँ और रिटर्न हम डाउन साइड में भी सेम पैन कार्ड का ही नंबर हमें डालना है। तो यहाँ पे मैं पैन कार्ड का नंबर यहाँ पर डाल देता हूँ। तो प्रॉपर मैंने पैन कार्ड का नंबर सेम वापस दो बार डाल दिया गया है। अब यहाँ पे हमसे, जैसे आप यहाँ पे लोगों को देख पा रहे हो, यहाँ पे पैन कार्ड को आपको इस तरीके का फ़ोटो होना चाहिए, प्रॉपर क्रॉप करके होना चाहिए कि आप उसको क्रॉप कटिंग करके ऑलरेडी मोबाइल के अंदर रख लो। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो पैन कार्ड का ये फ़ोटो है, मैं यहाँ पे अपलोड कर दिया हूँ। अब यहाँ पे डाउन साइड में देख पा रहा हूँ आपको यहाँ पे आधार कार्ड शो हो रहा है और यहाँ पे आपको आधार कार्ड का नंबर और यहाँ पे सेम वापस आपको आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे सबमिट करना है। तो यहाँ पे हम आधार कार्ड के नंबर को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो आधार कार्ड का 12 नंबर होता है वो मैं यहाँ पे ऐड कर चुका हूँ और नीचे भी री एंटर उसी को करेंगे। तो यहाँ पे मैंने दो बार डाल दिया हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे आपको आधार कार्ड का फ्रंट पेज इस तरीके का होना चाहिए, क्रॉप बैकग्राउंड आपको वहाँ पे नहीं चाहिए, ओनली क्रॉप करके चाहिए। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये अपलोड का है, इस पर आप सिंपली टच करोगे और आधार कार्ड का आपको फ्रंट पेज को लेना है, जैसे कि मैंने फ्रंट पेज को ले लिया। अब यहाँ पर दोस्तों डाउन साइड में आपको अपलोड बैक साइड, मतलब आपको बैक साइड आधार कार्ड का चाहिए, तो उसको आप क्लिक करो और आधार कार्ड के बैक साइड को भी यहाँ पे अपलोड कर दो। अब यहाँ पे सिंपली दोस्तों आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है आपका सेल्फी, जो आपका है सेल्फी इतने क्रॉप में होना चाहिए, आप जो यहाँ पे देख पा रहे हो फुल सेल्फी आपको नहीं चाहिए। तो यहाँ पर आपका जो सेल्फी है, अब यहाँ पर एक चीज़ को दोस्तों आप नोटिस करना कि आपके हाथ में ये पैन कार्ड या आधार कार्ड इस तरीके से सेल्फी के समय पे आपके हाथ में होना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो आपका जो है केवाईसी कंप्लीट नहीं होगा। तो आप इसको नोटिस करना, क्योंकि ये बहुत ही छोटा यहाँ पे आपको दिखाया गया है, तो इसको आप ज़रूर नोटिस करना। तो यहाँ पे दोस्तों हम सिंपली यहाँ पे टच करेंगे और यहाँ से हम सेल्फी को ऐड कर देंगे। तो मैं इसे सिंपली टच करता हूं और ये सेल्फी जैसे आप देख पा रहे हो हाथ में इन्होंने पैन कार्ड को लिया है और प्रूफ के तौर पे दिखा रहे हैं। अब इजीली यहां पे लिखा हुआ है सबमिट फ्रॉम वेरिफिकेशन डाउन साइड में, अब इसको सिंपली टच कर दो। तो यहां पे मैंने टच कर दिया हूं, अब ये ऑटोमेटिक प्रोसेस होगा और आपके मेल पर भी एक मैसेज आ जाएगा, जो अभी मैं आपको यहाँ पर लाइव दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे जैसे देख पा रहे हो कि यहाँ पे आपका जो वेरिफिकेशन है यहाँ पे जा चुका है मेल आईडी के ऊपर, और यहाँ पे देखिए लिख के आ रहा है थैंक यू फ्रॉम योर केवाईसी वेरिफिकेशन विल बी डन 1 to 3 days। तो यहाँ पे बोला गया है कि आपका जो वेरिफिकेशन है 1 दिन से लेके 3 दिन में कन्फर्म हो जाएगा। एंड यहाँ पर दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर कंपनी ने एक और बात बोला है कि अगर आप किसी को सिस्टम को इस ऐप को शेयर करते हो तो शेयर करने पे आपको जो कमीशन है 50% मिलेगा, वो जो भी ट्रेडिंग करेंगे उसका 50% आपको भी कमीशन मिलेगा। तो यहाँ पे आपका रेफेयर लिंक भी यहाँ डाउन साइड में ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको मिल चुका है। तो दोस्तों ये एक एक्सचेंजर है और आपके पैसे को एक्सचेंज करता है, ऑल ओवर वर्ल्ड का जो करेंसी होता है वो यहाँ पर एक्सचेंज होता है। तो वजरेक्स आपका इंडिया का नंबर 1 वेबसाइट है जो आपको प्ले स्टोर के ऊपर अवेलेबल मिलेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही और हम मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहां पे आपको मैं फर्स्ट टाइम में जब हम साइन अप कैसे करेंगे और हमारे मेल को कंफर्म कैसे करेंगे वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को दोस्तों आप सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लाइक ज़रूर कर दीजिए एंड अपने दोस्तों के पास शेयर करके उनकी आईडी भी आप इस तरीके से केवाईसी करवा दीजिए। तो मिलते हैं अभी हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर।